राजधानी दिल्ली में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल पश्चिम दिल्ली में देर रात लूटपाट के दौरान एक किशोर को बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। बताते चलें कि पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक देर रात कहीं से घूमकर घर लौट रहा था। इस दौरान उसे कुछ अज्ञात बदमाशों ने रोक लिया और उसके साथ लूटपाट करने लगे। इस पर युवक ने लूटपाट का विरोध करना शुरू कर दिया और शोर मचाने लगा। तभी बदमाशों ने उसे चाकू मारकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। उल्लेखनीय है कि पीड़ित ने जैसे तैसे मामले की सूचना पुलिस को दी और सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे तुरंत नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुड़ियाल की रिपोर्ट।